देखिए बेटा, आप टॉपिक है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के दो यूज़ होते हैं। पहला कि दो अगर सेल हो E1 E2, ठीक है, ये सेल मान लीजिए E1 है हमारा, ठीक, और ये सेल हमारा E2 है। दो सेल हैं E1 E2, तो इनके EMF का कंपैरिजन करना, ठीक है, इनका EMF, इस सेल का EMF E1, इसका E2, इन दोनों के सेल के EMF का कंपैरिजन करना, पहला यूज़ ये होता है पोटेंशियोमीटर का। और दूसरा यूज़ होता है कि अगर कोई सेल है उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये दूसरा यूज़ होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम पहला यूज़ देखेंगे। पहले यूज़ के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। देखिए ये एक बैटरी है, ठीक, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ये देखिए यहाँ पर एक वायर जुड़ा हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है ना पोटेंशियोमीटर में, तो ये वायर एक लंबा जुड़ा हुआ है और उसके बाद ये इधर से जाकर रियोस्टेट से कनेक्ट हुआ है और एक की लगी हुई है K1, ओके। उसके बाद ये जो एंड है ए है, वायर का जो एंड ए है, वहाँ से दो सेल जुड़ गए हैं और दोनों का पॉजिटिव सिरा ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इससे की जुड़ी हुई है, लगी हुई है K2, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, और उसके बाद एक चीज़ और, इन दोनों सेल को कंबाइंड करके यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाता हुआ एक जॉकी लगी हुई है। जॉकी को हम पूरे वायर पे टच करते हैं, जहाँ पर डिफ्लेक्शन आता रहता है वो पॉइंट नहीं लेते हैं, और जहाँ पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आता है वो क्या कहलाता है, नल पॉइंट, वो जॉकी का नल पॉइंट कहलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जे पॉइंट ऐसा है जिस पर टच होने से इसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब सबसे पहले अगर हम सेल E2 को की K2 से बंद कर दें, ठीक है, की K2 से अगर हम सेल E2 को बंद कर दें, केवल सेल E1 की बात करें और जॉकी को टच कराएं, तो जहां पर जॉकी टच करेगी A से वहां तक की पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो EMF के इक्वल होता है। भाई पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। तो मान लीजिए E2 हमारा बंद है, E1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो E1 का EMF निकालने के लिए हम जॉकी को पूरे वायर पर टच कराएंगे, ठीक है, जहां पर इसका नल पॉइंट आ जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, तो ए पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इस सेल के EMF के। तो देखिए लिखा हुआ है हमने E1 इक्वल टू KL1। K क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और L1 क्या है, A से लेकर के J तक की लेंथ है, तो KL1, E1 इक्वल टू KL1, यही तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में हमने निकाला था, E इक्वल टू KL, है ना, तो E1 इक्वल टू KL1। इसी तरह सेल E2 की बात अगर हम करें, सेल E2 के लिए हम E1 वाली की को बंद कर देंगे, तो जब E1 वाली की को हम बंद करेंगे तो E2 इक्वल टू आ जाएगा KL2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये दोनों सेल का कंपैरिजन हो गया, दोनों सेल के EMF का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो EMF किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की लेंथ पे, वायर की लेंथ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूज़ है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। ये देखिए यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेम वही सर्किट बनाएंगे, ये बैटरी है, कि नेगेटिव सिरा, ये पॉजिटिव सिरा, ठीक। बैटरी के पॉजिटिव से यहाँ वायर, एक वायर का ए एंड लेते हैं, ठीक, ये वायर हो गया हमारा, ये घूमा हुआ, ये बी एंड हो गया, इससे रियोस्टेट जुड़ गया, की K1 जुड़ गई। अब सेल का जो पॉजिटिव सिरा है वो वायर के ए एंड से जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इससे एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं, की जोड़ देते हैं, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ते हुए एक जॉकी लगा देते हैं। सेम वही प्रोसीजर, जॉकी को पूरे वायर पे टच करते हैं, जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए वही कहलाता है हमारा नल पॉइंट, जैसे कि जे क्या है, नल पॉइंट, ओके। अब देखिए सेल ई का EMF निकालने के लिए जैसे ही हमें नल पॉइंट जहाँ पर मिलेगा वो पॉइंट और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस सेल का EMF होगा। तो मान लीजिए ए से जे तक की जो लेंथ है वायर की वो L1 है, ठीक है, और के हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पूरे L1 लेंथ वायर की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, KL1 हो जाएगा। तो सेम वही EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू KL1, ओके, उसको इक्वेशन वन ले लिया। अब हमने क्या किया कि की K2 से जो है वो सेल हमने बंद कर दिया, की K2 से सेल को बंद कर दिया।
अब की केवन ओपन कर देंगे। जब केवन ओपन करेंगे तो ये बैटरी है, बैटरी से ही जो है वो करंट जाएगी, बैटरी ही काम करेगी, सेल तो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और एक जो है यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स जो बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे ही हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस बैटरी का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। देखिए, नाउ अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर इज टेकन इन द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड की के टू इज ऑल्सो क्लोज्ड, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और की के टू को क्लोज कर देंगे। अगेन द पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट इज डिटरमाइंड, और अगेन जो है वो नल पॉइंट की पोजिशन जॉकी जे से हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दिस इज फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, और ये जो हम निकालेंगे नल पॉइंट जहाँ भी निकलेगा वो पॉइंट और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, वो क्या होगा, बी इक्वल टू के एल टू हो जाएगा। लेंथ हमने एल टू मान ली, दोनों को डिवाइड कर दिया, ई अपॉन बी की वैल्यू एल अपॉन एल वन अपॉन एल टू आ गई, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ई अपॉन बी की जगह एल वन अपॉन एल टू रख देंगे, ये हो जाएगा पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद लास्ट टॉपिक है सुपेरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, की पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्टमीटर से कैसे सुपर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहला पॉइंट है कि जो है पोटेंशियोमीटर जो है वो नल पॉइंट के थ्रू मेजरमेंट करता है, जो कि बहुत एक्यूरेट होता है ना। और वोल्टमीटर जो है वो क्या होता है, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर तब बनेगा जब उसमें रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट है फॉर मेजरिंग द ईएमएफ बाय अ वोल्टमीटर बाय द डिफ्लेक्शन इन द वोल्टमीटर इज टू बी रीड, देयर मे बी सम एरर इन द रीडिंग द डिफ्लेक्शन, भाई जब हम वोल्टमीटर में ईएमएफ पढ़ते हैं तो जो है कुछ ना कुछ एरर जरूर आती है, बट पोटेंशियोमीटर एक नल मेथड है, नल पॉइंट मेजर करके वो किया जाता है, तो उसमें एरर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से सुपर होता है, ओके।